कंग्रेचुलेशन, आपके यात्रा पूरी करके आए गुरुदेव के साथ, कैसा रहा सर आपका सफर? और खूब आनंद का एक हर्ष हर्ष हो गया, शरीर के रोम रोम में पुलकन हो गई। दादा का दर्शन किया, गुरु जी का, समाधि का, जिंदगी सफल हो गई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नहीं जा सकता, बहुत अच्छा अनुभव, बहुत अच्छा, बहुत प्रैक्टिकल में कहना चाहिए, या मतलब ऐसा जो आदमी सोच नहीं सकता, वहाँ से हर तरह से मतलब अच्छा था। वहाँ के लोग भी अच्छे हैं सारा, और उसकी सुधार भी होने की तरह उस तरह प्रयास हो रहे हैं कि जो इनके बड़े भाई जो कर रहे हैं। एनर्जी हमारे साथ में चल रही थी, हमें कोई चिंता ही नहीं थी। कैसा आपको वहाँ पर फील हुआ जाकर सर? क्या डिफरेंस? डिफरेंस नहीं, बहुत सिमिलर है, बहुत प्यार मिला, ऐसी कोई बात नहीं है जो हम लोग यहाँ पर रह कहते हैं। डिफिकल्टीज आई आपको रास्ते के अंदर? कोई मुश्किल आई? सिक्योरिटी रीजन है थोड़े बहुत, बट मैनेजेबल। वो लोग हमारी, उनको इतनी ज्यादा कंसर्न थी कि हमें कुछ ना हो जाए, इसलिए इतनी ज्यादा सिक्योरिटी हमारे साथ चलती थी। पूरे एक्सपीरियंस को आप कैसे, अगर कुछ शब्दों में बताना चाहेंगे तो कैसे? इतना एक्सपीरियंस है कि रात को 11 बजे भी हम रात को 11-12 बजे भी घूमते रहते, वहाँ बैठे रहे सबके सामने, और कुछ नहीं बल्कि वहाँ 11 बजे बैठे है ना, तो वहाँ पर भी ये लोग आगे थे हमारे पास। सादा जय जिनेन्द्र सबको, मैं प्रणव जैन एक बार फिर से हाजिर हो गया हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा, आप सभी जन हमारी वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं, आपके जो कमेंट्स हैं हम तक पहुँच पा रहे हैं। बिल्कुल, हम आपके कमेंट्स को, एक एक कमेंट को पढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपके कमेंट्स का वापस हम जवाब दे सकें। जो आप क्वेश्चन हम अपने कमेंट्स के अंदर डाल रहे हैं वो भी हम कोशिश कर रहे हैं गुरुदेव से आंसर्स लेके आप तक पहुँचाया जाए। अगर आपको भी कोई और क्यूरीज है तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट्स डाल सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स के जवाब दें। तो इसी के साथ आज फिर से एक बार ही आपके सामने हाजिर हुए एक और वीडियो लेकर। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों इंटरेस्टिंग होने वाली है मैं आपको बता रहा हूं अभी, कि जो 13 जनों की डेलीगेशन पाकिस्तान में गुरुदेव के साथ गई थी, आज उन 13 डेलीगेशन में से एक टीम मेंबर आज हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, और एक एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए वो हमारे साथ इस टाइम जुड़ चुके हैं। तो रचित जैन जी दिल्ली से आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो मैं स्वागत करता हूं उनका हमारे चैनल पर। जय जिनेन्द्र रचित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर आने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा आपको कि आपका सफर जो है बहुत मंगलमय रहा होगा। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के अंदर सफर 11 दिन आपने पाकिस्तान के अंदर गुरुदेव के साथ बिताए, कैसा अनुभव रहा आपका पाकिस्तान के अंदर? एक्सपीरियंस तो एक तो हमारे गुरुजेव की निशरा और पाकिस्तान जैसा मुल्क, तो एक्सपीरियंस तो खैर ऑसम रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। हमारा मिशन एक ही था कि हाँ गुरु जी के जाना है, गुरुओं के बड़े समाज पे जाना है, वहाँ दर्शन करने हैं, पूजा सेवा करनी है, वो की उसका एक्साइटमेंट अलग ही था। तो 11 दिन आपने वहाँ पर काटे, तो पूरा क्या आपने पैदल ही सफर किया? हाँ, मोस्टली पैदल ही, गुरुदेव के साथ पैदल ही चले हम बिहार में। बिल्कुल, कुछ वीडियोस क्लिपिंग्स आई थी तो आप हमें गुरुदेव के साथ ही दिखते थे वहाँ, आप गुरुदेव के साथ ही विहार कर रहे, तो मतलब आपने भी गुरुदेव के साथ 11 दिन पूरे पैदल विहार किया। तो वहाँ पर जब आपने विहार किया तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ लोगों के लिए एक अट्रैक्शन पॉइंट होता होगा कि इंडिया से लोग आए हैं, तो कैसे वहाँ के लोग किस नजरिए से देखते थे आपको, और कैसे आपको लोग अट्रैक्ट करते थे या लोग आपके पास आते थे, किस तरह से क्या माहौल था वहाँ? नजरिया बिल्कुल अलग ही था लोगों का, क्योंकि उनके लिए एक तरह से बिल्कुल एक डिफरेंट था, एक अजूबे कह सकते हो, उन्होंने कभी अपने मुल्क में ऐसा देखा नहीं कि कोई पैदल चल रहे हैं, कोई साधु संत चल रहे हैं, उनके साथ लोग चल रहे हैं पैदल, उनके लिए बिल्कुल अलग था। और काफ़ी लोग वो आना भी चाहते थे, बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी उन्हें जानने के लिए, लेकिन सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से जब हम सिक्योरिटी थी हमारे साथ तो वो ज़्यादा अलाउ भी नहीं करते थे कि वहाँ की लोकल आवाम या लोकल लोगों को ज़्यादा हमसे बातचीत करें या जुड़ें। जी, तो वो अलाउ नहीं करते थे वो इसीलिए क्योंकि आपकी क्योंकि हमारी सिक्योरिटी है, और कोई कारण नहीं। जी जी, क्योंकि हम सिक्योर रहें उस लेवल से, और कोई कारण। तो फिर उसके बाद आप लाहौर म्यूजियम गए, तो उसमें कैसा आपका अनुभव रहा? लाहौर म्यूजियम बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे से हमने वहाँ चरण पादुका के अच्छे से दर्शन, पूजा सेवा सब इत्यादि सब कुछ किया, और बिल्कुल अलग ही, जिसे कहते हैं अलग ही क्रेज, अलग ही एक्साइटमेंट,
कि हाँ यार ये भी हो सकता था, जो कभी सोचा ना हो वो चीजें हुई। तो लोगों का एक बड़ा कॉमन सवाल आ रहा है कि एक दूसरे मुल्क में जो कि पूरा हम समझते हैं कि खाने पीने में व्यवस्था हमारे जैसी नहीं है शायद, क्योंकि उधर जो वहाँ इस्लामिक धर्म ज़्यादा है, क्योंकि इस्लामिक धर्म में हम सबको पता है कि नॉनवेज ज़्यादा है, लेकिन हमारा धर्म और हमारे खाने पीने का तरीका बिल्कुल ही विपरीत है उनसे। तो वहाँ पर कैसे आपका खाने पीने का अरेंजमेंट होता था, या किस तरह से आपकी क्या दिनचर्या होती थी उधर, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। ऐसा फूड का भी कोई खास इशू बना नहीं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम लेकर गए थे वहाँ जाके, हमने ले खरीद ली तो खुद भी पकाया, खुद भी पकवाया और वहाँ भी खाया। थोड़ा सा जानना चाहूँगा क्या क्या चीज़ें लेकर गए थे आप अपने साथ, कैसे ड्राई फूड, ड्राई मटेरियल जैसे खाकड़ा, थेपला जी, प्लस जितने नमकीन हैं ये सब चीज़ें। तो वहाँ पर वहाँ मिल जाता था, कौन से ऐसे फल थे जो आपको बहुत ज्यादा वहाँ मिले, मतलब फल और जूस तो हमें बहुत मिले। एक हम रोज अक्सर जैसे कहते ना ब्रेकफास्ट में लेते थे एक तो फालसे का जूस जी और एक आड़ू का जूस। मेरी भी बातचीत हो रही थी आपके डेलीगेशन के मेंबर से कि वो भी ये कह रहे थे कि फालसे का जूस तो बहुत पिया, सुबह शाम पिया, और एक लस्सी बहुत फेमस है वहाँ की जी, एक भोला मिल्क शॉप है बहुत फेमस लस्सी है, तो वो आती थी, और बाकी हमारे पास सब सामान था ही, बहुत अच्छे से अरेंज हुआ, ऐसी कोई दिक्कत। तो मतलब खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं, ऐसा आई नहीं, ऐसा कहेंगे दिक्कत आ रहा है ऐसा नहीं। बाकी आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा पाकिस्तान में, आप जब यहाँ से गए थे तो क्या थे, और वहाँ से आने के बाद क्या है, क्या बन गए या क्या चेंजेस आए, कुछ आपको महसूस हुआ? कंट्री एक एक्साइटमेंट तो एक अलग ही था, बिल्कुल गुरु जी के साथ जा रहे हैं, एक्साइटमेंट एक अलग ही था। बाकी वहाँ जब हम पहुंचे तो सिर्फ एक यही लगा कि यार एक बॉर्डर लाइन ही हमने क्रॉस की है, वहाँ घूम रहे हैं, चल फिर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा जैसे इंडिया में चल फिर रहे हैं। तो वहाँ की सिक्योरिटी फोर्स जितनी थी, मतलब इतनी हिल मिल गई हमारे साथ कि वापसी जब हम आने लगे तो वो जो आखिरी फोर्स थे हमें स्क्वाड कर रही थी, तो वो कहते भाई तुम जा रहे हो यार, साढ़ा दिल नहीं लगना, मतलब इतने फैमिलियर हो गए थे वो, सेम लैंग्वेज बोलनी उन्होंने, शाम को हमने बैठना, उन्होंने जैनिज्म के बारे में मतलब जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी उन लोगों को, आधा आधा घंटा एक घंटा हमने बातचीत करनी, वो बड़ा अच्छा लगता था उनको। क्या बात, जैसे गुरुजी की भी दिनचर्या जाननी कि सनसेट हो जाए तो कुछ खाना नहीं, फिर सनराइज के भी एक घंटे बाद खाना पीना, उससे पहले विहार शुरू कर देना, कैसे करते हैं इतना मैनेज, उनको बड़ी क्यूरियोसिटी थी इन सब चीजों की। तो लगभग एक दिन में कितने किलोमीटर का विहार हो जाता था आपका? बिहार तो ऐसा है 30 से 40 किलोमीटर का भी किया हमने एक दिन में, 40 किलोमीटर भी किया हमने, बहुत ज्यादा बिल्कुल मतलब किया कंटिन्यूसली, दो एक दिन तीन दिन किया, लेकिन हुआ अच्छा, हुआ एक अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत बढ़िया, ऐसा कोई इशू नहीं। तो जो आपका लक्ष्य था गुजरांवाला श्री आत्माराम महाराज जी की समाधि में जाकर उनके दर्शन वंदन करने का, तो पहला आपका भाव क्या था जैसे ही आप एंड, क्योंकि देखिए 11 दिन मतलब मैं समझता हूँ 8 दिन 7 दिन में आप वहाँ पहुँच गए होंगे लगभग, तो 3 दिन आपने लगभग वहाँ पर गुजरांवाल समाधि मंदिर में बिताए, तो 7 दिन के बाद, 7 दिन के लंबे विहार नॉन स्टॉप 30-30, 40-40 किलोमीटर के बाद चलने के बाद काफ़ी मुश्किलें आई खाने पीने की, ये वो सब चीज़ें पार करने में, जब फाइनली आप अपने लक्ष्य पर पहुंचे, तो पहला भाव क्या था मन में आपके? एक अलग ही एक्सपीरियंस, एक तो स्टेप बाय स्टेप जिसे कहते हैं ना एक्सपीरियंस, एक सॉरी क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ती जा रही थी ना, कि जैसे गुजरांवाला के बॉर्डर पे आए, गुजरांवाला से और आ गया, काउंटडाउन स्टार्ट हो गया था, हार्ट बीट जिसे कहते हैं ना वो फास्ट हो गई थी कि हाँ यार अब बस गुजरांवाला और ये आत्म द्वार, ये अपना मंदिर, ये समाधि मंदिर, अलग ही क्रेज, अलग ही एक्साइटमेंट, सब में बड़ा जोश था, उतरते ही थकान कुछ नहीं, इतना लंबा विहार करके आए थे, सब बैठे वहाँ एक घंटा अपना पाठ किया, पूजा अर्चना की, कोई बैठे हैं सब बैठे हैं, कोई थकान नहीं किसी को, यहाँ थक गए हैं तो रेस्ट चाहिए, नहीं कुछ नहीं, बस मंदिर के द्वार पे पहुँचे हैं तो बस अपने गुरुओं का जयकारा, ऐसा लगा ऐसी मतलब शक्ति आई, ऐसी मतलब जैसे कहते हैं एनर्जी आ गई लोगों में, सब में जितने भी सब बैठे साथ में। चलिए समय कम होने के कारण मैं बस आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, ऐसी कोई 3 बातें मुझे बताइए जो आपके मन में बैठ गई हों इस पूरे सफर के लिए, और मैं कहूँगा कि जिंदगी भर वो बातें आपको भूलेंगे नहीं, क्या ऐसी 3 इंटरेस्टिंग बातें बताइए जो आपके मन में बैठ गई हैं और कभी भूल नहीं पाओगे आप उसको इस पूरे सफर के लिए? इंटरेस्टिंग तो ऐसा सब कुछ ही था, रोज का एक नया एक्सपीरियंस आता था, वहाँ के लोग और सबसे ज़्यादा जो वहाँ की फोर्स रहती थी हमारे साथ उनके साथ भी, एक वहाँ का एक छोटा सा तकिया कलाम है, वो कुछ भी कहते थे ना कि हाँ
ठीक है भाई साहब आपने खाना खा लिया, ये ले लिया, वो यहाँ आ गए वहाँ गए, चलो ठीक हो गया। अच्छा। ये बड़ा अच्छा लगता था हमें, तो करते 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 हमें बड़ी आदत पड़ गई, हम आपस में भी शुरू हो गए ये बोलना, अच्छा लगता था। तो क्या आपका मन है कि अब दोबारा कब आपका जाना हो सकता है? बिल्कुल, जब मालिक बुलाए, जब गुरु बुलाए, हम तैयार बैठे हैं बिल्कुल जाने के। चलिए, बहुत इसी के साथ बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट आप करके आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समाज के लिए आपने इतना बड़ा काम किया, हम सभी पूरी टीम हमारी पूरा समाज हमारे गुरुदेव को सेफली आप लेकर गए, सेफली आप लेकर आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए, आपकी पूरी 13 डेलीगेशन जो आप गए गुरुदेव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना टाइम की कृपा रही थी, गुरुओं की कृपा रही, अपना टाइम अच्छे से हमारी यात्रा संपन्न हुई, सुखद यात्रा संपन्न हुई। तो ये थे हमारे साथ रचित जैन जी दिल्ली से, बहुत ही अच्छे इन्होंने अपने भाव बताए। पाकिस्तान के अंदर ये भी उन 13 डेलीगेशन की जो टीम थी उनमें से एक थे, ये भी इन्होंने भी गुरुदेव के साथ पूरा पैदल विहार किया, बहुत ही अच्छे भाव थे, इनको भी बहुत मज़ा आया ये चीज़ करने में, बहुत इनका सफ़र जो अच्छा रहा। तो कोशिश करेंगे जो बाकी हमारे 13 में से जो 12 जन और हैं, कोशिश करेंगे उनके साथ भी बातचीत करने की, उनके भी भाव जानने की, ताकि आप तक सारी बातें हम पहुंचा सकें, घर बैठे आप देख सकें कि किस तरह से इन्होंने अपना वहां 11 दिन बिताए। इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ, और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।